नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम कर रहे हैं कक्षा आठवीं की जो रुचिरा नाम की पुस्तक है, इसके अध्याय शुरू। तो इसका हम पहला अध्याय करेंगे। जिस विद्यार्थी ने संस्कृत का आठवीं, नौवीं, दसवीं का, ग्यारहवीं, बारहवीं का सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे साथ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम एक एक करके करते हैं अनुवाद। पहला जो श्लोक है, गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति, गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति। गुणों की पहचान गुणी व्यक्ति ही कर सकते हैं। गुणों की पहचान गुणवान व्यक्ति ही, गुणवान व्यक्ति की जो पहचान है वो किससे होती है? गुणों से ही होती है। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषः। ते माने वे, निर्गुणम निर्गुण गुणों को प्राप्य प्राप्त करके भवन्ति माने हो जाते हैं, दोषा दोषी, यानी कि वे लोग निर्गुणों को प्राप्त करके दोषों से प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह से यहाँ दिया है उदाहरण, सुसवादु तोया। सुसवादु होता है भाई स्वादिष्ट जल। पर भवंती माने बहती, नद्य माने नदियाँ, समुद्र माने समुद्र का, असाध्य माने साथ पा करके, भवंते हो जाती हैं अपया न पीने योग्य जल वाली, यानी कि स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जब समुद्रम असाध्य, समुद्र का साथ पाती हैं या समुद्र में मिल जाती हैं, तो वे भी न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं, अर्थात उनका जल भी खारा हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, आए देखते हैं आगे। देखिए पहला जो श्लोक है इसका हमने अनुवाद किया। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि गुणवान व्यक्तियों के लक्षण गुणी होते हैं, वही गुणी या गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियां पहाड़ से स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं परंतु समुद्र में पहुंचने पर पीने योग्य जल वाली नहीं रह जाती हैं, अर्थात व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह गुणी है या अवगुणी। आइए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन है। साहित्य संगीत कला, कला से विहीन रहित व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात रूप से पशु के समान होता है, जिसके पूछ पूछ विषाण सिंह हीन रहित, यानी कि साहित्य कला और संगीत से रहित व्यक्ति साक्षात बिना पूछ के और सिंह के पशु की तरह होता है। तृणम ने खादन ने पी, तृणम माने भाई तिनके को, घास को ने नहीं, खादन मपी माने खाता है, जीवमान माने जीवों के लिए, जीवों के, तद भाग ध्यम उनके सौभाग्य की बात है, परम पशु नाम दूसरे पशुओं के लिए, कथा कि यह उनके भाग्य का या यह उनके आगे का चारा नहीं खाता है, यह दूसरे पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। यानी इसमें कवि कहता है कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूछ और सिंह के पशु के समान होता है, जो यह तो अन्य पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि यह उनके चारे का घास है, उनके जो है ना, उनके जो चारे का, उनका जो चारा है वो नहीं खाता है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला तथा कौशल से रहित है वह वास्तव में सींग व पूछ के बिना पशु के समान है, जो घास ने खाता हुआ भी जिंदा रहता है, वैसे ही पशुओं के लिए गर्व की बात है
कि कुछ इंसान भी उसी पशु की तरह ही होते हैं। आइए देखते हैं अगला पद्यांश, लुब्धे से नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुने से मैत्री, पिशुन होता है भाई चुगलखोर, तो चुगलखोर की मित्रता खत्म हो जाती है। नष्ट क्रिय से कुलम, और नष्ट क्रियाओं वाले व्यक्ति का कुल है वो नष्ट हो जाता है। अर्थ अपरस से धर्म, और इसके पश्चात उसका धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि विद्या फलम व्यवसायी ने व्यसनी ने कृपण से सौख्यम, विद्याफलम व्यसनी ने, विद्याफलम भाई विद्या रूपी फल है, व्यसनी ने माने बुरी लत वाले व्यक्ति का कृपण से माने यानी कि जो है ना व्यसनी व्यक्ति होती है उसकी विद्या निष्फल होती है। कृपण से सौख्यम, और कृपण कंजूस व्यक्ति की जो है ना मित्रता समाप्त हो जाती है। सौख्यम कृपण से कंजूस व्यक्ति का की सौख्यम मित्रता समाप्त हो जाती है। राज्य प्रमत से सचिव से नर अधिपत से, राज्य प्रमत सचिव, प्रमत होता है भाई जो लापरवाह होता है ना, लापरवाह सचिव, जिस राज्य का सचिव लापरवाह है उसका राज्य है ना वो नष्ट हो जाता है। यानी तीसरे श्लोक में विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न चीज़ों को के नष्ट होने के बारे में बताया गया भाई, जो इस प्रकार है लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कमजोर का कुल, धन को चाहने वाले का धर्म, और बुरी लत वाले की विद्या का फल, और कंजूस का सुख, सौख्य मतलब सुख, ऐसे राजा जिसके मंत्री प्रमाद से भरे होते हैं उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। देखिए अगले श्लोक की तरफ बढ़िए, बने रहिए मेरे साथ, जयपाल शास्त्री के साथ बने रहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मान माधुर्यमेव जनयम मधुमक्षिकम अक्षौ, यानी दोनों के साथ समानम एक समान, मधुरम मधुर व्यवहारम व्यवहार करती है, यानी पीत्वा रसम तु कटुकम, मधुमक्षिका है ना, मधुमक्खी कड़वा रस पीकर भी वह एक समान व्यवहार करती है, यानी कि मनुष्यों को मधुर शहद प्रदान करती है, यानी कड़वा रस पीने के पश्चात भी वह मनुष्यों के लिए मीठा रस प्रदान करती है। संतः तथैव, यानी यहाँ संतः विसर्ग लग के संतः बन जाएगा, और तथैव संत महापुरुष भी, तथैव उसी प्रकार समसज्जन दुर्जना नाम सुरत्वा बचाए, यानी कि अच्छे लोगों के और बुरे लोगों के विचारों को सुन करके मधुर सुरक्तम सर्जंती, मधुमक्खी की तरह ही व्यवहार करते हैं, यानी वो हमेशा मधुर वचन ही बोलते हैं। तो देखिए चौथे श्लोक में यही बताया कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे या मीठे फूलों के रस को समान रूप से पी करके मीठा रस जो है वो उत्पन्न करती है, मीठे रस को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार साधु लोग भी, लोगों को भी दुष्ट और सज्जन लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर के मधुर वाणी बोलनी चाहिए, यानी वह वैसी वाणी का व्यवहार करते हैं। देखिए अगला श्लोक, मेहताम प्रकृति स एव, महान पुरुषों का जो स्वभाव है ना, वर्धिता नाम परैरपि, वर्धिता नाम होता है भाई उनकी प्रशंसा किए जाने पर भी, परैरपि परिवर्तित नहीं होता है, एक समान रहता है ना, जिस जैसे संख्यासु लाकर्तिर यथा, जिस प्रकार नो की जो संख्या है ना ने जहाती निज भावम, नौ की जो संख्या है ना अपना स्वरूप नहीं बदलती, यानी नौ की संख्या अपना स्वरूप कैसे नहीं बदलती भाई, जैसे आपने है ना नौ का पहाड़ा सीखा होगा ना, तो नौ एकम नौ टोटल गिनती होगी, नौ नौ दुनिया 18 तो 8 और एक नौ, नौ तिया 27 तो 7 और दो नौ, नौ चौका 36, 6 तीन और नौ, नौ पंजे 45, 4 और 5 9,
नौ छिका 54, 5 हजार 9, 9 सते 63, 6 3 9, 9 अठे 72, 7 और 2 9, 9 निम 81, 8 और 1 9, 9 दाए 90, 9 प्लस में 0 बराबर है 9। यानी कि जिस तरह से 9 है ना अपने स्वरूप को नहीं बदलता है ना, उसी प्रकार महापुरुष जो होते हैं वो अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनकी स्तुति हो या उनकी निंदा हो। तो कहने का भाव यह है कि महापुरुषों को भी उसी प्रकार अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका अनुवाद। पांचवें श्लोक में यही बताया गया है, जिस प्रकार महापुरुषों का स्वभाव प्रशंसा पाने पर नहीं बदलता है, उसी प्रकार जैसे 9 की संख्याओं का आकार नहीं बदलता, इसलिए हमें प्रशंसा पाकर ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए तथा अपने निज व्यवहार को त्यागना नहीं चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो अगले श्लोक में क्या बताया गया है, स्त्रिया रोचमानायाम सर्व तद रोचते कुलम। तो स्त्रिया माने स्त्रियों को, रोचमानायाम माने भाई प्रसन्न रखने से, खुश रखने से, सर्व तद कुलम रोचते, यानी वह सारा परिवार खुश रहता है, यानी स्त्रियों को प्रसन्नचित रखने से उनका पूरा परिवार खुश रहता है। तस्याम तव रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। तो इसीलिए हमें तस्याम उनको रोचमानायाम सर्वमेव में रोचते, इसलिए कि उनके प्रसन्नचित रहने पर ही हम सब प्रसन्नचित रह सकते हैं, यानी स्त्रियों को के प्रसन्नचित रहने पर वह सारा परिवार खुश रहता है। तो हमें स्त्रियों की खुशी से ही हम सबको खुशी प्राप्त हो सकती है, इसीलिए हमें स्त्रियों का आदर करना चाहिए, क्योंकि श्लोक में कहा भी गया है यत्र नारियत सुपूजन तेरमंते तत्र देवता, है ना, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं इस श्लोक का अनुवाद, इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं, अनुवाद को अपनी कॉपी में, श्लोक और अनुवाद को कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो छठे श्लोक में बताया गया है कि भाई कि पत्नी या स्त्री को सदा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनके खुश रहने पर संपूर्ण कुल खुश रहता है तथा उनके दुखी रहने पर सब कुछ दुखी लगता है, इसीलिए अपनी पत्नी से वैर भाव त्याग करके अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमें प्रेम करना चाहिए। तो विद्यार्थियों आशा है आपको ये जो अनुवाद है ये समझ में आ गया होगा। तो आगे पूरी किताब के सभी प्रश्नों को करने के लिए, सभी अभ्यास को करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। तो विद्यार्थियों आइए अब देखते हैं हम इसका अभ्यास। तो पहला जो प्रश्न है ना, इसमें है पाठ दत्ता नाम पदा नाम सव सवर वाचनम कुरुते भाई। तो पाठ में दिए गए श्लोकों को तुम्हें है ना अपनी जुबानी याद करना है, तो ये आपको मेरी सहायता से तो आप 2 श्लोक इसमें से कर सकते हैं, ये आसान है भाई। शुरू जो लास्ट का जो श्लोक है ये भी आसान है, ये कर सकते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, वो श्लोक भी आप कर सकते हैं। तो 1-2 श्लोक आपको जबानी याद करने हैं, क्योंकि 2 श्लोक है ना जबानी लिखने आते हैं एग्जाम में, तो ज़रूर याद करें। तो आगे है श्लोक अंश से रिक्त स्थानी पूरी है भाई, श्लोक में से कुछ अंश लिए हुए हैं, इसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो समुद्रम आसाध्य, समुद्र का जो साथ पा करके खालिस्तान क्या हो जाती हैं, जो है ना समुद्रम आसाध्य नद्य क्या होती हैं, अपयाहा। और मधुसूरोक्तम वच के सर्जंती ही, तो इसमें आप अपना पीछे का देख सकते हैं, पीछे से देखो आराम से भरना सीखिए, पीछे के इस श्लोक पे चले जाइए और वहाँ से आप उसको उठा सकते हो। देखिए ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो यहाँ श्रुत्वा वच है मधुसूरोक्तम सर्जंती, ये आप इसमें भरेंगे, श्रुत्वा वच है ये इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप श्लोक में पीछे जा करके ये खाली स्थान आप भर सकते हैं।
अगला जो श्लोक है वैसे इनका आंसर दिया गया है नीचे भाई, तद भाग देम, ये है ना परम पशुनाम, पिछला श्लोक है उसमें विद्याफलम, विद्याफलम इसमें आएगा व्यसनी ने है, जो श्लोक में आया था पीछे व्यसनी की विद्या निष्फल होती है। स्त्रिया, स्त्रिया रोचमानायम, स्त्रिया रोचमानायम भरेंगे इसमें, तद रोचते कुलम, ठीक है। इस तरह से हमने ये रिक्त स्थान के। अगला जो प्रश्न है ये है तीन का, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे ने लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं वो एक पद में हमने लिखने हैं। तो वैष्णी ने किम नश्यति, भाई वैष्णी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, विद्याफलम, विद्या नष्ट हो जाती है। कश्याम रोचमान एम श्रम कुलम रोचते, भाई किसके प्रसन्नचित रहने पर सारा कुल है वो प्रसन्न रहता है, तो हमने पीछे पढ़ा था अभी स्त्रिया नाम रोचते श्रम कुलम रोचते हैं। अगला है कस्य यस्य नश्यति ही, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो भाई लुब्ध से यश नश्यति ही, मधुमक्खी का किम जनियति, तो मधुमक्खी क्या पैदा करती है, मधुमक्खी है वो माधुर्यम, माधुर्य पैदा करती है। अगला है ये जो प्रश्न हमारे हो चुके पांचों, अभी पहुंचते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं ये है ना प्रश्न हम पढ़ते हैं, अधोलिखित तद्भव, तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानी ही लिखता है, तो हमने क्या लिखना है इस अधोलिखित इसमें लिखे गए शब्दों के पाठ से हमने चुन करके है ना संस्कृत पद लिखने हैं, यानी कि जो तत्सम शब्द है ना इनके ही वो लिखने हैं। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं बेटा, वो जो तत्सम शब्द तो वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जिनको हिंदी भाषा में जो कहते प्रयुक्त किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और तद्भव शब्द कौन से होते हैं जो संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी में आते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ हमें जैसे कंजूस का दे रखा है कृपण, तो इसी तरह से हमने इनके है ना संस्कृत रूप लिखने हैं, कड़वा क्या होता है कटु, पूछ है पूछ, लोभी पिशुने है लुब्ध है, और भाई मधुमक्खी ही मधुमक्खी कहा, और तिनका तृणम है ना, ये हो गए इनके उत्तर। देखो नीचे उत्तर हैं, पहले में कंजूस का कृपण हो गया, कड़वा का कटु हो गया, और भाई पूछ का पृष्ठम पूछम या पूछम, और मधुमक्खी मधुमक्खी का हो गया मधुमक्खी कहा, और भाई तिनका का हो गया तृणम। आइए पढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, अधो लिखित वाक्येषु कृत्रि पद क्रिया पद च चित्वा लिखता है, इसमें से ना ये जो वाक्य दे रखे हैं ना इनमें से हमें क्या करना है, कर्ता और क्रिया पद है ना वो देख करके लिखने हैं। इसमें संत मधु रक्तम सर्जंती है ना, तो संत इसमें क्या करता है और सर्जंती इसका क्या है क्रिया है, सर्जन यानी निर्माण करना, तो क्रिया आप जानते हैं जिसे किसी काम का करना है होना पाए पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए पहला है ये पहले का उत्तर देखा है, निर्गुण प्राप्य भवंती ही दोषा, तो भाई इसमें दोषा इसका कर ये हो गया कर्ता, और भवंती इसका क्या हो गया भाई क्रिया हो गई है। गुणगेशु गुणा भवंती, तो यहाँ गुणा गुणा इसका कर्ता हो गया, भवंती इसमें हो गया क्रिया, और पिशुने से मैत्री यश नश्यति ही, तो इसमें पिशुने से मैत्री यश नश्य भवती, तो मैत्री नश्यति इसका हो गया क्रिया, और पिशुन इसका हो गया कर्ता। नद्य समुद्रम आसादे अपया भवंती, तो समुद्रम आसादे समुद्र का साथ पा करके और हो जाती हैं अपया ऐ पीने योगे जल वाली, तो भवंती इसका क्या है क्रियापद है। आइए देखते हैं, देखिए वैसे इनके है ना उत्तर नीचे दे रखे हैं भाई, मधुमक्खी जनते हैं तो मधुमक्खी का और जनियत है, पिशुने से मैत्री और नसीयती है, नद्या समुद्रम अपया भवंती, तो नद्य और भवंती है। अगला में है रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कृत, भाई जहाँ पर रेखांकित जो है ना ब्लैक मार्क जो कर रखा है ना जिस पे उसके को हटा करके हमें प्रश्न बनाना है इस वाक्य से, गुणा गुण के सुगुणा भवंती ही, तो गुणों की को जानने वाले गुणों के ही जानकार होते हैं, यानी गुणों की पहचान करने वाले ये गुणी व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ हमें भरना है के गुणा की जगह के भरना है। नद्य स्वादु तोयम भवंती ही, तो नद्य के अगले नद्य का नदियाँ तो बहुवचन है ना कह कहु के का, तो अगला है लुब्ध से यश नश्यति, लुब्ध से
षष्ठी विभक्ति है यहाँ, तो कस्य आएगा, मधुमक्षी का मादृमेव जनयति, तो इसमें आ जाए का, मधुमक्षी का, तो का इसमें मधुमक्षी का जगह हम रख देंगे। मैताम प्रकृति सुस्थिरा भवंती, मैताम प्रकृति ही सुस्थिरा भवंती, तो मैताम के नीचे भरना है ना हमें, प्रकृति के नीचे, तो का कि मेहता प्रकृति सुशीतरा, किसकी का स्वभाव स्थिर होता है, तो का। आगे हमने ये है ना संधि विच्छेद करना है भाई, उदाहरण के पद के अनुसार पदों को अलग अलग करना है। तो संधि विच्छेद क्या होता है भाई, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को है ना जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, और उनको जब अलग अलग करते हैं तो वो होता है संधि विच्छेद। तो जैसा कि हम पाठ को पढ़ रहे थे ना, पदों को पढ़ रहे थे, तो मैं संधि कर करके ये आपको बता रहा था। देखिए समुद्रम आसाध्य है, समुद्रम और आसाध्य, माधुर्य मेव, माधुर्यम एव, अल्पम एव, सर्वम एव, सम्मानम अपि, महात्मनाम मुक्ति ही, देखिए नीचे दे रखा है ये। तो इस तरह से हमने इस लेसन का जो अभ्यास है बेटा वो भी कर लिया है। तो इसको आप सभी अपनी कॉपी में है ना राइट डाउन कर लें, और आप बने रहें अपने आपके अपने गुरुजी से, और देते रहिए आप अपना असीम प्यार मुझे, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। अब रूटीनली हम एक एक वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे और आप उनको पढ़ते रहिए क्लास टीचर की तरह। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।